नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। आज जुलाना से ट्रैक्टरों का काफिला और कारों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ, उसमें भाग लेने के लिए आज कुछ गतौलीय किसान कार और ट्रैक्टरों में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले हैं। ये देखिए तैयार खड़ा काफिला, इस काफिले में वाहन और यहाँ से ट्रैक्टर और ट्रैलियाँ भरकर अब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही हैं और ट्रैक्टर पर चालक सवार हो चुका है और स्टार्ट करके अब ये दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। और पीछे ट्रैलियाँ जोड़ रखी हैं किसानों ने, दो दो ट्रैलियाँ एक ट्रैक्टर के पीछे लगाई है। देखिए किसान बैठे हैं ट्रैलियों के अंदर तरपाल लगाकर, अपना राशन पानी लेकर और दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। और कुछ पंजाब के किसान भी निकले हैं आज। 65 बंदे दिल्ली भेजे ने गए, जिदे विचों 20 माइयां सीगियां, बाकी बंदे सी 65 दी गिनती कल दिल्ली भेजी है। अज लगभग 150 दी गिनती अज काले झाड़ टोल प्लाजे दे उत्ते जा रहे हैं। इस करके नगर का बड़ा सहयोग है, धन्नवाद करते हैं असी नगर का। तो उस मोदी नूं दसना चाहुंदे आं गे, जिहड़ा तैनूं लगदा वी इह लोक अक थक के मुड़ जाणगे, इह नहीं मुड़न वाले लोक। एक कल साडे गुमांड पिंड दे विच अणसुखावी घटना होई हैगी। एक साडा नौजवान 52 साल उम्र का वीर साडा इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। 17 दिन दिल्ली घोल दे विच ला के आए ने दोए पति पत्नी, 17 दिन दिल्ली घोल दे विच ला के आए ने। हालांकि यह इत्थे दा प्रशासन कहिंदा गा ओह 11 तरीक नूं आ गया सीगा, ओह फलाना आ गया सीगा, आना कानी करदा इत्थे दा प्रशासन। इस प्रशासन नूं कहना चाहुंदे आ गे कन्नी गल पा लै आपदे एस डी एम दफ्तर घेरांगे सुनाम, जे कोई ना फैसला कीता उस नौजवान की डेड बॉडी 2 दिन हो गए चंडीगढ़ PGI दे विच पई है, जे कोई ना फैसला किया इत्थे दे प्रशासन ने तां घेरा पावांगे सुनाम दे SDM नूं घेरांगे। इस वास्ते चकन्नी गल सुन ले, कन्नी पा ले प्रशासन, बहुत वड्डा हुलारा हैगा। दिल्ली भी साडी अज संगत फिर गई हैगी, एक गड्डी गई है, एक मोटरसाइकिल गया अज दिल्ली फिर साडा। इस करके वड्डा हुलारा है नगर का, उस सरकार नूं वापस मोड़ के आवांगे। उहदे वास्ते लोकां नूं कहना चाहुंदे आ एक मुठ हो के लड़ो भरावो, हौसले बुलंद रखियो। ये सरकारां लोगों को अका थका देना चाहुंदियां ने, पर ये लोग अकल थकने वाले नहीं है। हुण असी चाले पाउने आ नारियां दे नाल, नारे लावांगे जी नारे। भारतीय किसान जी ने एकता गुरां हां जिंदाबाद, भारतीय किसान जी ने एकता गुरां हां जिंदाबाद, लोग कोल नहीं थम्मणगे, लोग कोल नहीं थम्मणगे। ए सरकारां करदियां की, ए सरकारां करदियां की, होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत नहीं मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये तब संभव होगा, ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके।